पटना के एसकेएम हॉल पहुंचे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी वर्ष पर आयोजन में ले रहे हैं हिस्सा, स्वतंत्रता सेनानियों को करेंगे सम्मानित। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का ट्वीट व नीतीश पर बोला हमला, कहा स्वतंत्रता सेनानियों को करवा रहे हैं अपमानित, लालू और राहुल के कार्यक्रम में आने से होंगे अपमानित। पटना सिटी में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, धवलपुर शमशान घाट से तीन शव बरामद, हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका, पुलिस मामले की जांच में जुटी। गुस्साए ग्रामीणों ने की चोरों की पिटाई, एक की मौके पर ही मौत, दूसरा गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बिहार झारखंड न्यूज में और मैं हूं रतनी। शुरुआत बिहार की खबरों के साथ। पटना में स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान समारोह में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी समेत राहुल गांधी और कई बड़े नेता कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। इस कार्यक्रम में 20 राज्यों से लगभग 2500 से भी ज्यादा सेनानी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। अब दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आप देख सकते हैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे, उन्होंने दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। उनके साथ राज्यपाल रामनाथ कोविंद भी मौजूद हैं और लालू प्रसाद यादव ने भी दीप प्रज्वलित किया और इस कार्यक्रम में नीतीश कुमार भी मौजूद हैं। तमाम बड़े लोगों के बीच एक और चेहरा, वो है कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी का। हालांकि इस कार्यक्रम में राजनाथ सिंह को भी आना था, केंद्रीय गृह मंत्री, लेकिन आखिरी वक्त में वो नहीं आए। इसके अलावा एनडीए के जो अन्य नेता हैं वो भी इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। एसकेएम हॉल में ये कार्यक्रम चल रहा है, थोड़ा सा सियासत भी इसमें नजर आ रही है, लेकिन सियासत के बीच सम्मान बेहद अहम है उन स्वतंत्रता सेनानियों का जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया और आज उन्हें सम्मानित किया जाना है। देश भर के स्वतंत्रता सेनानी पहली बार ऐसा है कि एक साथ सम्मानित होंगे, एक मंच पर सम्मानित होंगे। 20 राज्यों से करीब 2500 स्वतंत्रता सेनानी पटना पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी उन्हें सम्मानित करेंगे, दीप प्रज्वलित करके उन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। एसकेएम हॉल में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है जहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों को शॉल, श्रीफल और गांधी जी की एक छोटी सी मूर्ति जो खास तौर पर बनाई गई है वो इस सम्मान के रूप में उन्हें दी जाएगी। इस समारोह में न केवल बिहार के स्वतंत्रता सेनानी शामिल हैं बल्कि अलग अलग राज्यों से, देश भर के 20 राज्यों से स्वतंत्रता सेनानी यहां पर पहुंचे हैं, उनका सम्मान किया जाएगा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और आप देख भी सकते हैं मंच पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, साथ ही साथ राज्यपाल बिहार के रामनाथ कोविंद, आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव मौजूद हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद हैं और कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, सम्मान समारोह में पहुंचे हैं और जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उन्हें सम्मानित किया जाएगा। करीब 2500 स्वतंत्रता सेनानी इस सम्मान समारोह में शामिल होने के लिए पटना पहुंचे हैं, उनका खास स्वागत भी किया गया, सत्कार किया गया और अब थोड़ी ही देर में उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों का एक एक करके सम्मान किया जाएगा। जो सम्मान में दिया जाएगा, हम आपको बता दें कि भागलपुर का सिल्क का शॉल सम्मान स्वरूप उन्हें दिया जाएगा। गांधी का शताब्दी समारोह है, चंपारण सत्याग्रह का शताब्दी समारोह है, 100 साल पूरे हो गए हैं तो गांधी के विचारों को तो व्यक्त किया गया है। अब गांधी की एक मूर्ति खास तौर पर बनवाई गई है जो अब इन स्वतंत्रता सेनानियों को भेंट की जाएगी।
हालांकि इस कार्यक्रम में सियासत भी हो रही है। एनडीए के नेताओं को बुलाया गया था, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को भी आना था, लेकिन बाद में ये कहकर इस कार्यक्रम से दूरी बना ली तमाम एनडीए के लोगों ने, जो सुशील मोदी ने ट्वीट करके वार किया है कि ये अपमान है। लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में सजा याफ्त है, राहुल गांधी पर भी जो आरोप लगे हैं उसके बाद एक मंच पर नजर आना और सम्मानित करना ये अपमान है स्वतंत्रता सेनानियों का। इसीलिए इसमें नजर तो नहीं आए एनडीए के कोई भी नेता, लेकिन तमाम जो सत्ताधारी दल के नेता हैं वो मंच पर कुछ लोग नजर आए, कुछ लोग मंच के नीचे बैठे हुए समारोह में शामिल होने के लिए, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री भी और शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। और अगर अन्य लोगों की बात की जाए तो खास तौर पर न केवल बिहार सरकार के इसमें मंत्री शामिल हो रहे हैं बल्कि कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। एसकेएम हॉल में ये कार्यक्रम चल रहा है जहां पर नीतीश कुमार ने इस कार्यक्रम को संबोधित भी किया और उन्होंने जब पहली बार 10 अप्रैल को कार्यक्रम आयोजित हुआ था राष्ट्रीय विमर्श नाम से, जहां पर देश भर के गांधी विचारक पहुंचे थे, उन्होंने गांधी के विचारों को व्यक्त किया था। उस वक्त भी नीतीश ने कहा था कि देखिएगा जरूर धीरे धीरे करके लोग अपने गांधी के नाम का फायदा लेंगे या फिर सियासत होगी। और शायद एक हफ्ता हो गया है इस कार्यक्रम को शुरू हुए, आज इस पर सियासत हो रही है। सम्मान एक तरफ, सियासत एक तरफ और इस वक्त समारोह एक तरफ चल रहा है। आप देख सकते हैं लालू प्रसाद यादव भी दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पहले किया और राज्यपाल रामनाथ कोविंद ने, और आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी मौजूद हैं, शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी मौजूद हैं। महागठबंधन के तीनों ही दलों से बड़े नेता हैं वो इस समारोह में शामिल हैं। कांग्रेस की तरफ से बात की जाए तो खुद कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी समारोह में पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा शिक्षा मंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी भी मौजूद हैं, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव मौजूद हैं और उनके बेटे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। इसके अलावा खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस कार्यक्रम की रूपरेखा तय की थी कि किस तरीके से इतना बड़ा आयोजन होगा, कैसे स्वतंत्रता सेनानियों को एक मंच पर लाना है, इसकी तैयारियां चल रही थी। और आपको बता दें कि आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इस वक्त कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। तो लालू प्रसाद यादव इस कार्यक्रम में सम्मानित कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस कार्यक्रम को संबोधित किया, एक कार्यक्रम है ये। देश के है गांधी जी भी होते थे लज्जित होते, ओबामा ने कहा हम लोग बोलते हैं तो लोगों को तकलीफ होता है। मैं जानता हूं मुझे कोई लटपट बात करने नहीं आती है। ये कार्यक्रम कोई नीतीश कुमार का नहीं है, ये लालू यादव का नहीं है। नीतीश कुमार ने जो अच्छा काम किया और हमारी सरकार ने जो काम किया, देश भर में बिखरे हुए स्वतंत्रता सेनानियों को आमंत्रित करके महामहिम राष्ट्रपति जी को बुला के आपको सम्मानित करने का जो सराहनीय काम किया, नीतीश कुमार को हम बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। खुदा आने के पहले डिमोरलाइज करने के लिए, अरे भाई आप क्यों नहीं आए, मैं क्यों चुप रहूंगा। जितना भी स्वतंत्रता सेनानियों के मसले होते हैं होम डिपार्टमेंट से डील होता, जब नहीं आना था आपको नहीं आना था तो फिर कंसेंट क्यों दिया था, यहां से नाम हटाना पड़ा, कुर्सी बदलना पड़ा। फिर एक तरफ बापू के हत्यारे नाथू रामगढ़ से और गांधी बाबा का दूसरे तरफ माला पहनाना या डंबर नहीं चलने दिया जाएगा, नहीं चलने दिया जाएगा। हमारे बापू को किसने छीना,
उनको मालूम था कि लालू यादव मंच पर आ रहा है, राहुल गांधी आ रहे हैं, कांग्रेस की बातों को, कांग्रेस के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। गांधी बाबा ने कांग्रेस एक मूवमेंट के रूप में देश में रखा, नहीं आया, नहीं आया तो मत आओ, उससे क्या फर्क पड़ता है। यहां से खाली पैर हम लोगों ने लौटा दिया, कांग्रेस पार्टी लालू यादव जदयू का कॉम्बिनेशन हुआ और बिहार की धरती ने, बिहार के पुत्रों ने उनको आईना देखा दिया, आईना दिखा दिया। अब इन बिल्कुल देश की जनता, बेरोजगारी, किसान, किसान का हालत बदतर, एक पैसा का निवेश नहीं, देश ऐसे चौराहे पर खड़ा है। आपसे मैं अपील करता हूं महान स्वतंत्रता सेनानीगण कि आप हम लोग का मार्गदर्शन करिए। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी बीमारी की स्थिति में भी जो छात्र आंदोलन हम लोगों ने यहां शुरू किया था, हमारा मार्गदर्शन उन्होंने किया था। आज न लोहिया जी हैं, न बाबा साहब अम्बेडकर हैं, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आज देश में शमशान और कब्रिस्तान की लड़ाई और तलाक का बात छेड़ करके देश के मूल समस्या को गौण किया जा रहा है और हमारे गांधी के विचारों को ओझल किया जा रहा है। ऐसे समय में ये सिर्फ सम्मानित करने का ही सवाल नहीं है, हम आपसे अपील करना चाहते हैं, ये बिहार की भूमि, बिहार में एक से एक सूफी संत और धार्मिक लोग यहाँ पैदा किए हैं और बिहार की चिंगारी ही पूरे देश में ये फैलाएंगे हम लोग, नीतीश कुमार, हम बिहारी जनता सब मिल करके। अन भारत का जो सपना था, गांधी बाबा का सपना था, भारत को हम सभी धर्मों का, सभी मजहब का भाईचारा, हमारा संविधान अक्षुण रहे, संविधान बदलने की बात हो रही है, आरक्षण खत्म करने का बात हो रहा है, मैं जानता हूं सारी चीजों को, इसलिए राजनीतिकरण की बात हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप लोग राजनीति कर रहे हो, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, इसलिए इनको थोड़ा परहेज होता है बोलने में, लेकिन मैं तो बैठा हूं इनके बगल में, मैं तो बोलने में कोई कमी नहीं करता, जो सच्चाई है मैं बोलता हूं। आप सभी लोगों ने, सभी लोग यहां आए पधारे, एक साल 100 वर्ष हो गया, शताब्दी वर्ष, विभिन्न कार्यक्रम होंगे, हो रहे हैं और गांधी के विचारों को ही लेकर के हम लोग देश देश में हम लोग इन चीजों को फैलाएंगे। और जो लोग आजादी के दिनों में साथ में नहीं थे, जो आजादी से कोई लेना देना नहीं है, आज दावेदार बन रहे हैं और देश को गुमराह करके और धर्म और कट्टरपंथ के आधार पर देश को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। हिंदू घर हिंदू करके हम लोग भी हिंदू है, हिंदू मनु स्थिति में क्या है भाई, पिछड़ों का दलितों का क्या स्थान है, और ऊपर रहेगा। बहुत सारी बातें हैं, मैं अब जाकर जिक्र नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति जी को जाना है और इसीलिए दबा के भी बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति जी कई बार आए और आज इनके साथ हमको बोलने का मौका मिला है, तो थोड़ा राष्ट्रपति जी 10 मिनट लेट हो जाएंगे तो कोई हर्ज नहीं है आपका, स्टेट भाई में हमेशा रहता, तो आप सब पुनः में सभी बिहार के अधिकारी पदाधिकारी जो इस काम में लगे हैं, गांधी जी के विचारों से संबंधित जितना भी संगठन है, आशीर्वाद रियाजी जी के पुत्र रियाजी जी ने इसमें काफी योगदान किया, जोड़ने का काम किया, उनको विशेष रूप से मैं बधाई देता हूं। और आइए हम लोग संकल्प लेके जाएं और आप हम लोग का मार्गदर्शन करिए, आप लोग कमेटी बनाइए और कमेटी बना करके जिस रास्ते को हम लोग चौराहे पर जेपी के विचारों को छोड़ दिया, टोटल रेवोल्यूशन को, उसी तरह से गांधी बाबा का विचार मिट नहीं जाए और सिमट नहीं जाए, इसके लिए पूरा आप बाबू कुंवर सिंह जी 80 साल के उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ तलवार निकाले थे, 80 साल के उम्र में। तो अभी तो जो लोग भी जवान हैं या जो उनके लड़के हैं, आश्रित हैं, उनको सारी जानकारी है, अपने पुरखों के बलिदान को याद करते हुए हम सब लोग मिलकर के आइए हम बेहतर भारत बनाएं,
और दुनिया में भारत को प्रथम दर्जा पे अगुआ देश बने हमारा भारत, जिस काम में हम लोग लगे। पुनः आप सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और नीतीश कुमार जी को पूरा, नीतीश जी बार बार बोलते हैं कि आप लोग आशीर्वाद दीजिए, तो आप सब लोगों की तरफ से हमें आशीर्वाद दे देते हैं, आगे काम करेंगे। और आलोचना से हम लोग को घबराना नहीं है। राष्ट्रपति जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। प्रणव बाबू को का काम बढ़िया से कर रहे हैं, तो इनको मैं प्रणाम करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि आप यहाँ पधारे और इस सम्मेलन के इस शताब्दी समारोह के काम के शोभा को और वेट मिला है, ताकत मिली है आपके आने से। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी जी को धन्यवाद। राहुल गांधी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, इनको भी हम देते हैं कि अपना कीमती समय निकाल के यहाँ आए हैं। इनका भी मैं स्वागत करता हूँ और सभी लोग बैठे हुए लोग हैं, सबका मैं स्वागत अभिनंदन करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। महात्मा गांधी अमर है, भारत माता की जय। तो लालू प्रसाद यादव ने जो भी स्वतंत्रता सेनानी आए हैं उनका स्वागत किया, धन्यवाद दिया कि वो यहाँ आए, और साथ ही साथ सियासत, जैसे कि बार बार कह रहे थे कि जो वार सुशील मोदी ने किया है उसका जवाब दे दिया है, और सीधे उन्होंने गृह मंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब आना ही नहीं था तो फिर कुर्सी क्यों लखवाई। और अब इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो गांधी के हत्यारे हैं वो किस मुंह से आएंगे इस आयोजन में, गांधी के विचारों की बात करते हैं। और देश की आजादी में चंपारण सत्याग्रह का जो बड़ा योगदान है, नीतीश कुमार ने जो बड़ा काम किया है, तमाम जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उन्हें पटना में बुलाकर एक साथ सम्मान करने का, इसके लिए तारीफ भी की नीतीश कुमार की। विरोधियों पर निशाना भी साधा, कहा राहुल गांधी और लालू के डर से बीजेपी के मंत्री नहीं आए हैं। एनडीए के जितने भी लोगों को बुलाया गया उन्होंने दूरी बना ली, ये कहते हुए कि यहाँ पर लालू प्रसाद यादव पर चारा घोटाले में सजायाफ्त है, राहुल गांधी पर जो आरोप लगे हैं क्या सही है। इस मंच पर ऐसे आरोपियों का बैठना जहां पर स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया, उस सम्मान समारोह में ऐसे लोगों को बुलाया जाएगा, इसीलिए उन्होंने दूरी बना ली। लेकिन लालू ने अपने ही अंदाज में जो विरोधी हैं उन्हें जवाब दे दिया है, एक बार फिर से कह दिया है कि महागठबंधन एक है। राहुल गांधी की भी उन्होंने तारीफ की, राहुल गांधी को भी धन्यवाद दिया कि इतना कीमती वक्त निकालकर राहुल गांधी इस समारोह में शामिल होने के लिए आए, और बाकी जो लोग नहीं आए हैं उन पर उन्होंने निशाना साधा है। अंग्रेज 1857 की जो घटना थी उसको म्यूटिनी कहते थे, और हम उसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी की पहली लड़ाई कहते हैं। 1857 में पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक साथ खड़े होकर लड़े थे। हिंदुस्तान का एक विजन बना था भाईचारे का, दोस्ती का, मित्रता का, एक साथ चलने का। कुछ साल बाद साउथ अफ्रीका में गांधी जी कोर्ट केस लड़ने गए, जीते, और उनको एक बात गहराई से समझ आई, सत्ता में और सच्चाई में फर्क हो सकता है। यह जरूरी नहीं है कि हर बार जिसके पास सत्ता है उसके पास सच्चाई है, यह भी हो सकता है
और होता है कि जिसके पास सत्ता होती है उसके पास सच्चाई नहीं होती है। और यह बात गहराई से गांधी जी समझे और यहां बिहार आए, चंपारण आए। मैंने फोटो देखी साउथ अफ्रीका में, महंगा सूट पहनते थे, यहां आए और जनता के बीच में जाकर उनसे मिल गए, लड़ाई शुरू की। राष्ट्रपति जी आज मुझे बता रहे थे कि पहले सोच थी कि आजादी की जरूरत नहीं, पहले सोच थी कि हम अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजों के राज के साथ जीत सकते हैं, मगर जब गांधी जी ने सच्चाई देखी, जालियांवाला बाग देखा, तो उन्होंने अपना मन बना लिया आजादी के बिना हिंदुस्तान आगे नहीं जा सकता है। अब हमारे लिए ये बड़ा नेचुरल कदम है, हमारे पास आजादी है, हमारा तिरंगा है, तो हम इस बात को सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसा भी एक समय था जब हिंदुस्तान के लोग कहते थे कि हां हमें थोड़े और राइट्स दो, मगर हम आपके साथ, आपके राज के साथ हम जीत सकते हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जालियांवाला बाग में क्या हिंदू मरे थे, क्या मुसलमान मरे थे, क्या सिख मरे थे, या हिंदुस्तानी मरे थे? तो जो भी गांधी जी ने किया, हिंदुस्तान की जनता को जोड़ने के लिए किया। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हर जात के लोगों को जोड़ने का काम किया। सच्चाई नहीं होती है, ये कहा राहुल गांधी ने। इसीलिए यहां पर खुद महात्मा गांधी आए थे 10 अप्रैल 1907 को, और 100 साल पूरे हो गए हैं चंपारण सत्याग्रह को। ये देश का पहला स्वतंत्रता की लड़ाई का पहला सत्याग्रह था जिसने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया था। हालांकि एक मंच ऐसा है जहां पर अब थोड़ी देर पहले लालू निशाना साध रहे थे विरोधियों पर, और अब राहुल गांधी भी विरोधियों पर निशाना साध रहे हैं। पटना में शताब्दी समारोह चल रहा है, इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। We'll be right back.